Hello friends, welcome to Manojupta Academy. Today we are going to start with algebra, class 10, chapter 5, probability, practice set 5.4. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सो अब हम लोग चलते हैं सीखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, अभी हम लोग ने सैंपल स्पेस निकालना सीखा, उसके बाद इवेंट निकालना सीखा। अब हम लोग रियल में प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं, संभाव्यता निकालने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने नमूना अवकाश सीखा, ठीक है, 5.2 में। उसके बाद 5.3 में इवेंट निकालना सीखा, किस तरीके से हम इवेंट को फाइंड करते हैं, घटना किस तरीके से निकालते हैं। अब ये इवेंट और सैंपल स्पेस को लेकर के ही अब हम इसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, संभाव्यता फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस थिंक ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अ बैग कंटेन्स फोर बॉल, एक बॉल, एक बैग में फोर बॉल है सेम साइज का। थ्री ऑफ देम आर वाइट, उसमें से जो तीन बॉल क्या है, व्हाइट कलर का है, सफेद है, और जो चौथा बॉल है वो ब्लैक कलर का है। सो यू आर सपोज टू पिक वन बॉल एट अ रैंडम विदाउट सीइंग इट, बिगर देखे तुमको कोई भी एक बॉल निकालना है। देन ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज अ मोर, इसमें से जो भी तुम बॉल निकालोगे उसकी पॉसिबिलिटी जो है वाइट बॉल की ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर कोई भी बॉल, अगर ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल एक ही है, वन ब्लैक बॉल है और जो थ्री व्हाइट बॉल है, तो जिसका ज्यादा रहेगा व्हाइट बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, और वन बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो इसी चीज को हम लोग इसी को हम लोग पॉसिबिलिटी बोलते हैं। इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर, इसको हम लोग नंबर से दिखाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एट अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसको जो प्रोबेबिलिटी है, या तो हम लोग फ्रैक्शन में दिखाते हैं या तो परसेंटेज में दिखाते हैं, या तो भिन्न में दिखाएंगे या तो परसेंटेज में दिखाएंगे। फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ अ सैंपल स्पेस यस एंड ए इज अ एक्सपेक्टेड इवेंट, यस जो होता है सैंपल स्पेस होता है और ए जो होता है उसके इवेंट होते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिखते हैं, पी ऑफ ए लिखते हैं। इट इज अ गिवन फॉर्मूला, देखो पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो इसका जो घटना रहेगा, जो इवेंट रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए है सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, इवेंट ए की घटना, जैसा कि अभी हमने नंबर ऑफ ए निकाला था। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यस टोटल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे कितने बॉल है, फोर बॉल है, तो नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यस हो जाएगा फोर। अब अगर मैं बोलूं कि वाइड बॉल निकालने के लिए, वाइड बॉल कितना है, वाइड बॉल यहाँ पे कितना दिया गया, देखो थ्री दिया है ना वाइड बॉल, तो इसका इवेंट में क्या हो जाएगा, इवेंट का नंबर कितना, नंबर ऑफ ए हो जाएगा थ्री अपॉन फोर। और अगर इसके जगह पे अगर मैं बोलूं कि ब्लैक बॉल कितना निकाला जा सकता है, तो ये भी इसका भी कैसे निकालेगा, ब्लैक बॉल निकालने की संभाव्यता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ यस में हो जाएगा फोर एंड नंबर ऑफ ए में हो जाएगा वन। तो मतलब ये ब्लैक कलर का निकालने के लिए ये हो जाएगा वन बाय फोर, एंड वाइट का प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये वाइट की हो जाएगी थ्री बाय फोर। सो अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। क्या क्वेश्चन दिया गया है, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड, अगर दो कॉइन टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको इसका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम वन हेड होना चाहिए, और इसमें क्या है, गेटिंग नो हेड दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोग ये निकालते थे सैंपल स्पेस, यहाँ पे लिखो इफ टू
कॉइन्स आर डोज्ड सो दैट सैंपल स्पेस इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू टू कॉइन टॉस करोगे तो क्या क्या होगा यच 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 टी टी यच एंड टी टी ये हमारा क्या बनेगा ये सैंपल स्पेस बनेगा सो दैट नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू काउंट कर लो 1 2 3 4 नंबर ऑफ यस कितना हो गया 4 हो गया। अब फर्स्ट इवेंट का देख लेते हैं फर्स्ट इवेंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड यहाँ पे लिखो इसको इस तरीके से लिख लो इवेंट ए इज इक्वल टू क्या दिया गया पहले वो लिख लो गेटिंग एट लीस्ट वन हेड ठीक है तो यहां पे ए में क्या आ जाएगा ए में हो जाएगा देखो वन हेड चाहिए ना तो इसमें भी वन हेड है इसमें भी वन हेड है और इसमें भी वन हेड है इसमें एक भी हेड नहीं है तो यहां पे लिखो यच 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 टी एंड टी एच सो ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू काउंट कर लो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमको क्या अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है ना यहाँ पे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस यही फॉर्मूला है तो अभी ये फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दो नंबर ऑफ ए कितना है 3 है ये कितना है 4 है सो दैट probability of A is equal to 3/4 यह हमारा आ गया probability of A A की संभाव्यता संभावना ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पे सेकेंड कर लेते हैं सेकेंड को लिखो इवेंट B कुछ भी लिख सकते हैं इवेंट के नाम पे A B P Q R कुछ भी लिखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन लिख लो पहले गेटिंग नो हेड तो गेटिंग नो हेड के बाद में यहाँ पे बी में क्या आ जाएगा बी में आ जाएगा नो हेड है ना एक भी हेड नहीं होना चाहिए तो एक भी हेड नहीं होना चाहिए तो एक भी हेड किसमें नहीं है इसमें एक भी हेड नहीं है यहाँ पे आ जाएगा टी टी सो दैट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ये कितना है ये है 1। अब हमको क्या निकालना है सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये याद रखना कि जो भी इवेंट रहेगा वही प्रोबेबिलिटी में बनेगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस तो बी हमारा नंबर ऑफ बी कितना है 1 अपॉन नंबर ऑफ यस 4 सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया देखो इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टू डाइस को रोल किया जा रहा है ठीक है और इसका हमको प्रोबेबिलिटी कौन कौन सा इवेंट है द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस एट लीस्ट 10 जो उसका सम होगा जो जो उसके अपर में आएगा उसका जो सम होगा वो 10 से मतलब मिनिमम 10 होना चाहिए मैक्सिमम कितना भी हो सकता है उसके बाद यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33 अपर फेस का जो सम है वो कितना होना चाहिए 33 होना चाहिए और द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑफ द सेकेंड डाई जो सेकेंड डाई का जो नंबर है उससे ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट डाई का नंबर तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे उसके क्या लिख लेते हैं सैंपल स्पेस ना तो यहाँ पे लिखो टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली तो अगर टू डाइस रोल होगा
तो हमारा द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू, तो हमारा सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले आएगा वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, देन टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, फिर थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, यहाँ पे आएगा फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, उसके बाद सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स, ठीक है, ये हमारा क्या बना, यस बना, सैंपल स्पेस बना। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को नंबर ऑफ यस चाहिए, यहाँ पे लिख लो सो दैट नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू, नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा 36। अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करते हैं, सबसे पहले इवेंट वन, इवेंट ए लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर लिखो, यहाँ पे लिख लो इवेंट ए। अब इवेंट ए में क्या दिया गया है, इवेंट ए में दिया है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एट एट लीस्ट टेन, जो इसका देन ए। अब ए के अंदर क्या क्या आएगा, जिसका जो अपर का प्लस जो है कम से कम टेन होना चाहिए, तो कम से कम टेन का कौन कौन सा आएगा यहाँ पे देख लेते हैं, पहले टेन निकाला है ना हमको, तो इसका देखो इसका टोटल टेन है, इसका टोटल टेन है, इसका टोटल टेन है, और ये जो तीन है ये टेन से ज्यादा है, तो टेन से ज्यादा चलेगा, टेन से कम नहीं चाहिए। तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, फोर सिक्स, देन फाइव फाइव, उसके बाद में फाइव सिक्स, उसके बाद में सिक्स फोर, फिर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नंबर ऑफ ए आ गया सिक्स आ गया। सो दैट अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस, तो नंबर ऑफ ए कितना है सिक्स अपॉन नंबर ऑफ यस कितना है 36, ये और कैंसिल हो सकते हैं क्या, सिक्स वन जो सिक्स, सिक्स सिक्स 36, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाय सिक्स आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको इतना इरेज करके अब फिर यहीं पे सेकंड वाला करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला कर लेते हैं, सेकंड में क्या दिया है
सेकंड का इवेंट को हम लोग लिखते हैं इवेंट बी। इवेंट बी में क्या दिया गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। अब जो अपर फेस का जो डिजिट आया है उसका 33 आना चाहिए, सो दैट बी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आएगा, सो दैट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 0, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, यह जगह 0/36। 0/36 कितना होता है, 0 होता है ना, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ गई 0। अब हम लोग थर्ड इवेंट करते हैं, थर्ड को कर लो इवेंट सी। इवेंट सी, इवेंट सी में क्या दिया है, लिख लो द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। फर्स्ट डाई का जो नंबर होगा वो सेकेंड डाई से ज्यादा होना चाहिए। देखो इसमें ये वाले डाई में इक्वल है, ये वाले में कम है, ये वाले कम है, सिर्फ हमको फर्स्ट का ही देखने का है ना, फर्स्ट डाई का ज्यादा होना चाहिए। ये कम है, ये भी कम है, ये कम है, ये कम है, ये है, इसमें फर्स्ट डाई का ज्यादा है, ग्रेटर है, इसमें इक्वल है, आगे फिर कम है, इसमें फर्स्ट डाई का ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें इसमें ज्यादा है, इसमें फर्स्ट डाई बड़ा है, ग्रेटर है, इसमें भी, इसमें और इसमें, उसके बाद यहाँ पे ये भी ज्यादा है, ये 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 और ये, जो मैंने ब्लू पेन से किया है तो वो ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे सी लिखो, सी के अंदर में क्या क्या आएगा, सी के कौन कौन से इवेंट बनेंगे, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 and 6, 5, ये होगा। सो अब हम लोग नंबर ऑफ सी फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सी में कितना जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नंबर ऑफ सी कितना आ गया, 15 आ गई है, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ यस। तो नंबर ऑफ सी कितना है, 15/36, टेबल से कटेगा 3 के टेबल से कटेगा, 3 5 15, 5/12, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की संभाव्यता कितनी हो जाएगी, 5/12, ये हमारा आंसर आएगा। सो इसी तरीके से हमको करना था और कुछ नहीं है। सो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर 1 to 15, एक बॉक्स के अंदर 15 टिकट है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 15 तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन नंबर लिखा हुआ है। वन टिकट इज अ ड्रॉन ऑफ द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। वन टिकट अगर हमको निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट आर द टिकट ड्रॉन। यहाँ पे इवेंट दिया गया है, दो इवेंट दिए गए हैं, तो हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स सो दैट द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू। सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन तक बनेगा, ठीक है। सो दैट नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इवेंट ए लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो इवेंट ए। तो इवेंट ए में क्या दिया गया है, सोस एंड इवन नंबर। अभी इस इवेंट ए में क्या है, इवन नंबर चाहिए इनको। तो ए में इवन नंबर क्या क्या आता है, इवन नंबर में जिसके लास्ट में 2 4 8 6 0 हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 and 14। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 and 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। सो दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 अपॉन नंबर ऑफ यस कितना है, 15 है। सो दैट इसको लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। सो इसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड का करते हैं, इवेंट बी फाइंड करते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या दिया गया है, इवेंट बी। इवेंट बी में क्या दिया गया, सोर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल में कौन कौन सा आएगा, 5 के टेबल में कौन सा जाता है, एक 5 है देन 10 है एंड 15 है, ठीक है। सो दैट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की संभावना निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस। तो बी कितना है, बी नंबर ऑफ बी है 3, नंबर ऑफ यस है 15, तो कैंसिल हो जाएगा 3 5 15 1 5। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाय 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया 7 बाय 15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया 1 बाय 5। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अ टू डिजिट नंबर इज अ फॉर्म्ड विद डिजिट 2 3 5 7 9। इसका यूज करके और विदाउट रिपीटेशन इसका यूज करके हमको टू डिजिट नंबर बनाना है और उसकी एन ऑड नंबर का निकालना है प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीपल ऑफ 5 का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखो अ टू
डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 without repetition, without repetition, without repetition का बनाओगे तो हमारा sample space क्या रहेगा? The sample space is equal to yes. इसका भी सबसे पहले हम लोग डिजिट बना लेते हैं। तो देखो ये क्या है, इसमें क्या बनेगा, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2 वाला हो गया, 3 वाला, 3, 2, 3, 5, 3, 3 नहीं आएगा, वो रिपीट हो जाता है, 3, 5, 3, 7, 3, 9, 3 वाला हो गया, फिर 5 का, 5, 2, 5, 3, 5, 7, 5, 9, 5 का हो गया, अब 7 का कर लो, 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 5 के बाद में क्या आएगा, 7, 9, फिर 9 का करो, 9, 2, 9, 3, 9, 5 एंड 9, 7, ये हमारा क्या हुआ, सैंपल ऑफ स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। सो दैट नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नंबर ऑफ स्पेस कितना आया, 20 आया। सो दैट अब हम लोग क्या करते हैं, इवेंट बी, इवेंट ए करते हैं, फर्स्ट वाला इवेंट करते हैं, यहाँ पे लिखो इवेंट ए, इवेंट ए में क्या लिखा हुआ है, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है, यहाँ पे ए में ऑड नंबर में क्या क्या आता है, जिसके लास्ट में 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है। देखो यहाँ पे ये है 23, ठीक है, ये आएगा 23, 25, 27, 29, 32 नहीं आएगा, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97, तो यही लिख लो यहाँ पे, ये क्या क्या है, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। सो दैट हमारा नंबर ऑफ ए क्या कितना होगा, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 16 हो गया। सो दैट हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास, 16 अपॉन 20, नंबर ऑफ ईयर्स 20 है, 4 के टेबल से कट जाएगा, 4, 4 जा 16, 4, 5 सा 20, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 5, ठीक है। अब हम लोग इवेंट बी करते हैं, यहाँ पे सेकंड का लिख लो, इवेंट बी, इवेंट बी में क्या दिया है, अ मल्टीपल
ऑफ फाइव, जो फाइव के टेबल में आता है। तो बी के अंदर में क्या जाएगा, देखो फाइव के टेबल में कौन कौन सा आएगा, यहाँ पे इसको मैं राउंड कर लेता हूँ, 25 आएगा, 35 आएगा, 75 आएगा एंड 95 आएगा। तो यहाँ पे लिखो 25, 35, 75 एंड 95, सो दैट हमारा नंबर ऑफ बी कितना बनेगा, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 4 आएगा। इसको काउंट करो 1, 2, 3, 4, ये आया 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस। तो बी कितना है हमारा 4 एंड नंबर ऑफ यस 20, तो ये कैंसिल होकर के 1/5 बनेगा। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया है, ये आया है 4/5 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया है 1/5। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फॉर्म, अ पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है उसका करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज ड्रॉन एन एस एंड अ स्पेड, ठीक है। तो सबसे पहले कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, तो यहां पे लिखो देयर आर 52 कार्ड्स सो दैट द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू यस। तो देखो जो भी कार्ड रहता है, कार्ड में क्या रहता है, के क्यू जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसके कितने पेयर रहते हैं, ये तो फर्स्ट पेयर हो गया, ऐसे टोटल कितने हैं, 4 पेयर हैं, के क्यू जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ पे ए आता है, 1 नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। फिर से थर्ड वाला पेयर है के क्यू जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8। फिर फोर्थ वाले पेयर में के क्यू जे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8। तो ये इस तरीके से फोर पेयर बनता है, जैसा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में सीखा था, डायमंड होता है, स्पेड होता है, ये डायमंड का हो गया, स्पेड का हो गया, हार्ट का हो गया, क्लब का हो गया, ऐसे फोर पेयर होते हैं, ठीक है। तो सो दैट नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 52। अब हम लोग हम इवेंट वन करते हैं, फर्स्ट में लिखो इवेंट ए, इवेंट ए में क्या दिया, एन एस, एन एस, एस का मतलब क्या हो गया, ये वाला ए, ए ए ए कितना है, यहाँ पे एन एस लिख करके अब क्या करोगे, ए यहाँ पे आ जाएगा, ए ए ए ए, ठीक है। तो एस के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ
ईयर्स हो जाएगा 4/52, कैंसल हुआ 1/13, सो दैट हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/13। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इवेंट बी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। इवेंट बी सेकंड के लिए, तो इवेंट बी में क्या लिखा हुआ है, अ स्पेड। इवेंट बी में क्या है, अ स्पेड। अब स्पेड वाला कौन सा है, सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले को पूरा लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा बी स्पेड में क्या रहेगा, के क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 A, ठीक है। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, तो बी की वैल्यू कितनी है 13/52, 13 4 1/4 आ जाएगा। सो दैट अब हमारा आंसर क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। सो दोस्तों इसको इसी प्रकार से करना था, ये हमारा लेसन नंबर 5 आज कंप्लीट हो गया।